नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय उड़ीसा के दौरे पर हैं, जहां आज सुबह हुए माता किचकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मयूरभंज जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के आगा लेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जन जागरण यात्रा की तैयारियों को लेकर राजस्थान के डूंगरपुर के पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं की बैठक की, जहां आज डूंगरपुर कांग्रेस की ओर से जिले भर में जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। किसानों की MSP सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में आज विपक्षी INDY गठबंधन भी किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन में धरना पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में भाजपा को कोलकाता मैदान में धरना देने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के परमिशन से महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 28 और आज 29 फरवरी को BJP प्रोटेस्ट करेगी। CBI ने नोटिस जारी कर आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बतौर गवाह दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव को CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया था। झारखंड के जामतारा में एक बुरी घटना हुई, जहां जामतारा कर्माटांड के कलझरिया के पास करीब दर्जन भर लोगों के ट्रेन की चपेट में आने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव में जुट गई है। वहीं माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को सपा में शामिल करने के बाद कहा कि सपा और मजबूत हुई है। खबर है कि सपा उन्हें MLC बनाएगी और अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि वर्ष 19 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल से जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सीट से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ वहां से सांसद बने। बिहार के दरभंगा जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां तीसरे टर्म के साथ साथ चौथे टर्म की भी जीत की बात करने आए हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए एक एक करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दिल्ली में 10 लाख से अधिक लोगों के पानी के गलत बिल आने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जवाब दिया। कहा कि जल वित्त शहरी विकास एवं योजना से संबंधित सभी विभाग केजरीवाल CM के नियंत्रण में हैं। LG की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में LG के संज्ञान में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं लाया गया है। LG ने आगे कहा कि आपको फैसला लेना है, लें, दूसरों पर दोष ना दें। पानी का बिल माफ करना है तो सभी 27 लाख उपभोक्ताओं का किया जाना चाहिए, सिर्फ 10 लाख का ही क्यों? जिन 17 लाख उपभोक्ताओं ने पानी का बिल जमा किया है उनका ब्याज सहित वापस लौटाएं। पंजाब के CM भगवंत मान ने पुलिस को दिए 110 हाईटेक वाहन, वहीं नकोदर में किया 283 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले के आरोपित पूर्व विधायक नरेश कौशिक बोले, मुझे भी मिल रही है धमकी, मेरा नाम गलत तरीके से लिया गया है, मुझे भी माहौल में खतरा लग रहा है, पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दून पुलिस ने शराब नकदी आदि के परिवहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है, जहां राजपुर रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक दिल्ली की नंबर के गाड़ी की तलाश करने से 30 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां 35 साल की उम्र में भी दुल्हा दुल्हन मात्र 2.5 फीट का है। इन दोनों की अनोखी शादी को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सुक्खू सरकार के खतरे में आने की बात मानी जा रही है। वहीं विपक्ष द्वारा सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की भी बात चल रही है, जहां मंत्री विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद स्थिति ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा गरमाने लगी है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर काफी दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पहाड़ों पर पहुंचकर उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरा अब तक की सबसे खूबसूरत अनुभव रहा, जहां ये हमेशा याद रहेगा। सचिन ने कहा कि उनके चारों ओर वादियों में बर्फ थी, लेकिन लोगों द्वारा उनका खूबसूरती से स्वागत करने पर उनको उस ठंड का एहसास नहीं हुआ। महाराष्ट्र के सीएमओ को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जाली हस्ताक्षर और मोहर वाला ज्ञापन मिला, जिसके बाद सीएमओ ने मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात में ग्रांटेड कॉलेज के सहायक अध्यापक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि फिक्स वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तरह ही उनका भी वेतन बढ़ाया जाए। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने कहा है कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पहले हिंदू मंदिर था, जिसे मुसलमान आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया। परमार ने कहा है कि शिव मंदिर और अन्य मूर्तियों के स्थान पर दरगाह बनाई गई है, जहां दरगाह के दरवाजे पर अब भी स्वस्तिक बना हुआ है और स्वस्तिक हिंदुत्व का प्रतीक होता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सुल्तानपुर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत स्वीप योजना अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।